तो आइए आज एक्सरसाइज नंबर 11, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट है, इसको देखते हैं। इसके पहले मैं इसके रूल्स बता चुका हूँ, ठीक। चलिए देखिए, ही सेड टू अस, आर यू गोइंग टू योर विलेज टूडे। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो सब में आस्क्ड लगेगा या तो इंक्वायर्ड ऑफ लगता है, पता है। वैसे आस्क्ड का प्रयोग हमेशा कर सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग वैसे तब करना चाहिए जब ऑब्जेक्ट दिया हो, नहीं तो आप हमेशा आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हो। ये इसके पीछे का लॉजिक है, बाकी तो आप चाहे जो लगाओ। ही सेड टू अस, वह हमसे कहा, आर यू गोइंग टू योर विलेज टूडे, क्या तुम आज अपने गाँव जा रहे हो। तो सेट टू का आस्ट कर दीजिए, ही आस्ट अस। ये फर्स्ट टाइप है, तो इसलिए फर्स्ट टाइप में कंजक्शन इफ या वेदर लगता है। इसमें इफ हो जाएगा, यू का अस के अनुसार बदलोगे तो वी हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, गोइंग टू फिर योर का अस के अनुसार आवर हो जाएगा, विलेज का विलेज ही रहेगा और टूडे का दैट डे हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, He asked us if we were going to our village that day. Clear? दूसरा, he said to me, said to, asked me कर दीजिए, उसके बाद if लगा दीजिए, if फिर you को me के अनुसार, I, R का was, joining the meeting in the school, सब कुछ वही रहेगा। तीसरा, हरीश सेट टू बिमला, सेट टू कास्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर इफ लगा दीजिए, फर्स्ट टाइप के नाते, यू को बिमला के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा। अब डिड तो हट ही जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा, गो का गान हो जाएगा। इफ सी हैड गान टू दिल्ली, स्टार्टिंग जगह हो जाएगा द प्रीवियस डे कहो या द डे बिफोर भी कह सकते हो। चौथा है, सी सेट टू रकेश, सी आस्ट रकेश हो जाएगा, उसके बाद इफ लगा दोगे, फिर यू को रकेश के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, उसके बाद नॉट सीन द रेड फोर्ट येट, ठीक है ना। येट माने उसे अभी तक होता है, इसको आप बदलना चाहो तो भले किताब में नहीं दिया है, इसको आप आराम से बदल सकते हो, टिल देन माने तब तक, ठीक ना। येट माने अभी तक, जब इसे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एट का प्रयोग होता है तो लास्ट में होता है, ये भी ग्रामर का रूल है और इसका हिंदी होता है अभी तक। इसका अर्थ किया, हैव यू नॉट सीन द रेड फोर्ट एट, क्या तुम अभी तक लाल किला नहीं देखे हो। जब कंजक्शन के रूप में एट आता तब उसका अर्थ होता फिर भी, नहीं तो अभी तक ये एक एडवर्ब है, कब तक नहीं देखो अभी तक, तो इसलिए एडवर्ब, ठीक है, इसको समय सूचक है, इसको भी बदला जाता है, अभी तक को तभी तक में कह देंगे, क्योंकि हम दूसरे से कहेंगे ना, उसने राकेश से पूछा कि क्या बात, तब तक रेड फोर्ट को नहीं देख चुका था, क्लियर, तो उसी समय कहोगे तब भले ऐड करोगे, नहीं तो टिल देन कर दोगे, इसलिए आप आराम से बदल सकते हो। अगला है, सी सेट टू मी, तो सी टू सी आस्ड मी हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट टाइप है तो इफ लगा दीजिए, यू को मी के अनुसार, आई हैव का क्या हो जाएगा, हैड एवर बीन टू कश्मीर। अगला है, सुधा सेट टू अशोक, सुधा आस्क्ड अशोक, सुधा सेट टू अशोक, आस्क्ड अशोक हो जाएगा, उसके बाद जो है आप फर्स्ट टाइप है तो इफ लगा दीजिए, यू को आप अशोक के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, बिल उड का उड ही रहता है, इफ ही उड, उसके बाद लाइक हो जाएगा, टू हैव सम काफी विथ मी का क्या हो जाएगा, आप सुधा के अनुसार बदलोगे थर हो जाएगा, क्लियर। तो सुधा आस्ड अशोक इफ, या वैसे वेदर इसमें प्रयोग कर देंगे तब भी सही है, क्योंकि क्या आप मेरे साथ काफ़ी पीना चाहोगे, ठीक है, तो भाई उसके ऊपर है, चाय पिए या ना पिए, उसकी पसंद भी पूछा जा सकता है, एक हिसाब से पूछा ही जा रहा है, विकल्प नहीं रखा गया है, इसलिए आप इफ भी लगा सकते हो, लेकिन वेदर का प्रयोग हमें आप पसंद है विकल्प के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए आप यहाँ वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्लियर, वेदर ही कर दो बेहतर होगा, वेदर कि क्या हुआ काफ़ी उसके साथ पीना चाहता था, ठीक है, उसकी चॉइस पूछा जा रहा है, पसंद पूछा जा रहा है, तो वेदर का प्रयोग कर दीजिए। अगला है, माय फ्रेंड सेड टू मी, फ्रेंड सेड टू मी का आस्ड मी हो जाएगा, इफ लगा दीजिए, फिर यू को जो है मी के अनुसार आई, और बिल का हो जाता है उड कर दीजिए, ठीक है,
वैसे तो आई के साथ शैल भी लगता है इसलिए शुड भी कर सकते हो, लेकिन वुड का प्रयोग कॉमन होता है इसलिए वुड भी लगा सकते हो। ठीक, इफ आई वुड कर दो या शुड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गो टू मुंबई। अगला है आई सेड टू हर, तो आई आस्क्ड हर, उसके बाद कंजक्शन जो है आस्क्ड हर के बाद इफ लगा दीजिए, फिर योर को हर के अनुसार बदलोगे तो हर हो जाएगा मदर। ठीक है, इफ हर मदर, अब देखिए डज हट ही जाएगा क्योंकि रीड का सेकंड फॉर्म बनाना है तो उसका स्पेलिंग भी वही रहती है, रीड रेड रेड, पढ़ा रेड जाता लेकिन स्पेलिंग वही रहती। तो इफ हर मदर रेड द रामायण रामायण डेली। अगला नवा वाक्य, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ, सेड द मजिस्ट्रेट टू द कल्प्रिट। तो मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट हो जाएगा, यहाँ सेट को आस्क करेंगे ये पहले लिखेंगे, यहाँ मजिस्ट्रेट आस्क द कल्प्रिट, कल्प्रिट माना होता अपराधी। उसके बाद हैव यू का हो जाएगा इफ यू को कल्प्रिट के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड। इफ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ का हो जाएगा हिम सेल्फ। अगला द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट टाइप का कंजक्शन इफ लगा दीजिए। इफ यू को स्टूडेंट के अनुसार बदलोगे तो ही कैन का कुड हो जाएगा, सॉल्व दिस का हो जाएगा दैट प्रॉब्लम। ठीक, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 11 ख़त्म हुई, अब इसके बाद आपको 12 पढ़ाया जाएगा।